सादलपुर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का विशाल चल समारोह और भंडारे के साथ समापन हुआ। कथा स्थल से शुरू हुआ चल समारोह गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः स्थान पर संपन्न हुआ, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं ने जमकर नृत्य किया। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। गौरतलब है कि सादलपुर के जल महल रोड पर चौहान परिवार की ओर से गौरजी महाराज परम पूज्य भगवताचार्य पंडित लोकेश जी भट्ट के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा था, जिसमें सप्तम दिवस पर श्री कृष्ण सुदामा चरित्र का मार्मिक प्रसंग सुनाते हुए पंडित भट्ट ने कहा कि आज के जमाने में लोग अमीर लोगों से स्वार्थ के कारण मित्रता करते हैं, जबकि सुदामा जी निर्धन थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण जी ने जो मित्रता निभाई वह दुनिया को दिशा दिखाने वाली पहल है। इसके बाद समापन पर विशाल चल समारोह निकालकर व्यासपीठ पर गुरुजी को सम्मान समारोह पूर्वक भेंट दी गई। चल समारोह में सभी भक्तों की टोली नाचते गाते चल रही थी। राम मंदिर दर्शन के बाद कथा स्थल पर महाप्रसाद भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने महाप्रसादी का आनंद लिया। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। जय श्री राधे। सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सादलपुर में आयोजित भगवान की कृपा से सानंद संपन्न हुई। चौहान परिवार को श्रीमद् भागवत सफल आयोजन का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सादलपुर के भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद, जिसने तन मन धन से सहयोग कर इस आयोजन को सफल बनाया। आयोजन के पश्चात शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के बाद महाप्रसाद वितरण करी गई। जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।